बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चना ड्राई बनाएंगे ढाबा स्टाइल। उसके लिए हमें ये चने को ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखना है। इसको ज़्यादा देर भिगोना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये भीगे हुए चने को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और ये आधा ग्लास के करीब हम इसमें डालेंगे पानी और इसमें एक प्रेशर आने तक के पकाना है। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं कुक करना है चने को। एक प्रेशर आने के बाद हमें गैस के फ्लेम को ऑफ करना है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। हमें एक सीटी में इसे बंद कर देना है। अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे। अब हम इसमें मैरिनेट के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हम उबालते समय भी डालें हैं नमक, इसके लिए ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। ये 1/2 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर। ये 2 छोटे चम्मच हैं चावल का आटा। चावल का आटा डालना बहुत ज़रूरी है, इससे चना बहुत क्रिस्पी बनता है। और 2 बड़े चम्मच हैं ये कॉर्नफ्लावर और ये 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। शेज़वान चटनी है, जिसे शेज़वान सॉस भी कहते हैं। ये रेड चिल्ली सॉस है। ये डार्क सोया सॉस है और इसमें हम 1/4 टीस्पून डालेंगे फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें चने को डालेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा मैरिनेट हो गया है। चने के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें पहले लहसुन को फ्राई करना है, हमें इसका छिलका नहीं निकालना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इस तरह से इसमें रखेंगे लहसुन को और इसे फ्राई होने देंगे। आँच को हमें मीडियम रखना है, क्योंकि ये लहसुन चटकता है, इसके लिए हमें आँच को मीडियम रखना है। दो मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे और हम इसमें चने को फ्राई कर लेंगे।
हमें चने को चलाते हुए क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना है। देखिए हमारा फ्राई उसी तरह चना, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी बचा हुआ भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा सेकेंड भी बनकर तैयार है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना ड्राई बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कैसी लगी आपको रेसिपी हमें भी बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।